रावतपुर गांव के धुमकाना गजोधरपुर और सर्वोदय नगर वार्ड स्थित लोहारन भट्टा में डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि अब तक 78 मरीज मिल चुके हैं, जहां एक युवक की मौत भी हो चुकी है, वहीं बाकियों का इलाज चल रहा है। वहीं रावतपुर गांव में डायरिया से बिगड़ते हालत को देखते हुए प्रशासन, नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। गांव अंतर्गत आने वाले 3 इलाके अंसार मोहल्ला, चौरसिया मार्केट समेत धुनकाना में सबसे ज़्यादा हालत बदतर है। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में लगातार फॉर्मिंग कराई जा रही है। सफाई की व्यवस्था को लेकर अफसरों को भी कहा गया है। डायरिया ग्रसित इलाकों में अब तक मेडिकल सर्वे टीम के 3000 से अधिक घरों को सर्वे किया गया है। इनमें कई घरों में डायरिया की पुष्टि हुई है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। वहीं अब तक 228 लोगों का इलाज किया गया है। साथ ही गंदगी की सूचना को लेकर एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।